गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम टू RIS ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 2, लास्ट पॉइंट है 15 पेज का। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, अब कुकिंग के दौरान क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे क्या ख़त्म हो जाते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। देखिए, राइट काइंड ऑफ इनफ मतलब क्या है कि अच्छे टाइप का फूड खाना ही पर्याप्त नहीं होता है। द फूड शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, खाने को अच्छी तरीके से पकाना भी चाहिए, सो डैट इट इज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे क्या हो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हों। इसका पहला प्रिकॉशंस है, इफ़ कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की मात्रा उसमें सही होनी चाहिए, एंड द वाटर इज थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, और जैसे ही कुकिंग हो जाती है तो उस पानी को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। मैनी वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल आर लॉस्ट, इससे क्या, इसमें क्या होता है, जो पानी में जो सोल्यूबल विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ कुकिंग इज़ डन एट द हाई टेम्परेचर, अगर आप कुकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, मैनी प्रोटीन विटामिन आर डिस्ट्रॉय, तो विटामिन और प्रोटीन क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, अगेन आई रिपीट, मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, वॉशिंग ऑफ सम पील्स एंड कट वेजिटेबल एंड फ्रूट कॉज लॉसेस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं जिन फ्रूटों में, अगर हम उसको काट के धो देते हैं तो वो भी क्या है, हमारे चले जाते हैं। रिपीट, वॉशिंग ऑफ दाल, अगर हम दाल को वॉश करें, राइस ऑल्सो कॉज लॉस द वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स, तो ऐसे भी ख़त्म हो जाते हैं। MCQ में आपको PDF के थ्रू में भेज ही दूंगा। डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है, वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम आर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको पता, अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो आपको खाना भी बैलेंस डाइट में ही मिलना चाहिए। इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाइट के अनुसार आपका एक भी विटामिन या एक भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ तो आपकी बॉडी क्या होगी, डिजीज हो जाएगा, ठीक है। डिजीज डेट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो रोग होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, इनकी कमी से जो रोग होते हैं, ठीक है, तो वही मेरा क्या कहलाता है, डिफिशियंसी डिसीज़। अब हम डिफिशियंसी डिसीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉविस स्कोर। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर एंड डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे टाइम से एक बच्चे को अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ही सी इज़ लाइक टू बी सफर फ्रॉम द सीवियर मल न्यूट्रिशन, और वो क्या होगा, सीवियर मल न्यूट्रिशन से सफर होगा, सफरिंग करेगा। अ वेरी कॉमन प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज इन चिल्ड्रन इज कॉस्कोर, ठीक है, आप देख भी सकते हैं इस फिगर में, इस तरीके से 2.10 में बच्चा हो जाएगा उसको प्रोटीन सही मात्रा में नहीं दिया जाएगा। दिस डिसीज इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल के बच्चों में कॉमन डिसीज पाई जाती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अगर किसी को हो जाता है तो देखिए, स्टंट ग्रोथ, स्किन बिकॉज ड्राई, स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई एंड स्केली, हेयर बिकम्स रेडिस, हेयर रेडिस होने लगेंगे, बॉडी स्वेल अप, बॉडी में थोड़ा सूजन सा देखने को मिलेगा आपको, ड्यू टू रिटेंटेशन ऑफ वाटर, पानी के कमी से, लार्ज पॉट लाइक बेली, लिम्स एसेप्टली लैग बिकम थिन एंड बॉनी, ठीक है, ये आपके इसके सिम्टम्स हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिसीज, इसे बोलते हैं मरसमस, ठीक है, दिस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड टू डिजीज कॉल्ड मरसमस, दिस डिजीज जनरली इफेक्ट इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के बच्चों को ज़्यादातर डिजीज देखने को मिलेगी। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल पिचकी हुई, बिल्कुल चिपकी चिपकी सी हो जाएगी, आप में मांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एंड सो वीक दैट चिल्ड्रन मे नॉट बी एबल टू मूव, अब बच्चा है इसकी वजह से बच्चा कहीं भी मूव भी नहीं कर सकता है, स्किन ड्राई हो जाएगी, थिन एंड रिंकल आने लगेंगे, रेप्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, सनकन आइस हो जाएंगी, अनएबल टू डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्व फूड, खाना भी नहीं ऑब्जॉर्व करे, खाना ऑब्जॉर्व भी नहीं होगा और डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और मे बी सफर फ्रॉम डायरिया, अब डायरिया से वो सफर हो सकता है, ठीक है। विटामिन
डिफिशियंसी डिसीज़। अब विटामिन डिफिशियंसी डिसीज है, डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ अ सर्टेन विटामिन आर लिस्टेड इन अ टेबल। अब हम जो टेबल है उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी विटामिन की कमी से होती हैं। ये है सम विटामिन डिफिशियंसी डिसीज एंड देयर सिम्टम्स, 2.3 टेबल नंबर। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए से क्या है कि आपको लैंड ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। इसके सिम्टम्स हैं आपको साफ ना दिखना, दूर का ना दिखना, डार्कनेस दिखना, इन तरीके से। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन में बेरीबेरी रोग होता है, बेरीबेरी रोग हो सकता है। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं? एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा ही वीकनेस देखने को मिलेगी, पाँव में आपके सूजन भी आ सकती है, ठीक है, वेट आपका कम हो सकता है इसमें। विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग होता है, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग जम्स आपके आने लगेंगे, लूजिंग ऑफ टीथ, लॉसनिंग ऑफ टीथ, बाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी, इसमें क्या होता है, रिकेट्स, इसमें रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। सॉफ्टन एंड बैंड बोन्स, बोन्स क्या होती हैं आपकी, बैंड हो जाती हैं, ठीक है, बोन्ड लैग ड्यू टू मलफॉर्मेशन ऑफ लैग बोन्स। मलफॉर्मेशन का ना होना इसकी वजह से लैग बोन्स आपकी कैसी हो जाएंगी, चिपकी चिपकी सी, और बोन्स आपकी हड्डियों में दर्द भी होगा, पेन भी होगा। थोड़ी थोड़ी वीडियो पढ़ते हैं, यही अभी तक के लिए यहीं तक ही, इसको आप रीड कीजिए, आप इसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में हमारे वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके मैं आगे के एग्जाम में जो आगे के क्या है क्वेश्चन भेज दूँगा। थैंक यू।